नागदा में हिंद सांस्कृतिक मंच के बैनर तले पूर्व बीजेपी विधायक दिलीप सिंह शेखावत के नेतृत्व में चंबल का जल लेकर हजारों कांवड़िए नागदा से उज्जैन के लिए निकले। करीब 6 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा का शहर में 200 से ज्यादा मंचों पर भव्य स्वागत हुआ। आयोजकों का दावा है कि संभाग की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा है। मंगलवार को चंबल नदी के जल से हजारों कांवड़िए बाबा महाकाल का अभिषेक करेंगे। ये इस कांवड़ यात्रा का खंड 11वां साल है। यहाँ तक कि कोरोना काल में भी एक कांवड़ यात्रा निकली थी जिसमें इलाके के कई दिग्गज नेता भी शामिल हुए। यात्रा के दौरान भगवान की भक्ति और देशभक्ति का संगम देखने को मिला। कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर निकले तो कुछ ने गणेश, भगवान शंकर, हनुमान और माता पार्वती का भेष बनाया हुआ था। आपकी 15वीं यात्रा है, कैसे देखते हैं? देखो, मैंने कहा था कि ये जो यात्रा है, ये यात्रा पुराने सारे रिकॉर्डों को ध्वस्त करेगी। और आज की ये जो यात्रा है, यात्रा मुझे लगता है कि महाकाल बाबा के प्रति जो एक असामाजिक तत्व ने जो टिप्पणी करी थी, मुझे लगता है कि यहाँ की माताओं ने, यहाँ के युवाओं ने, यहाँ के वृद्धों ने ऐसे असामाजिक तत्वों को एक चुनौती दी है। आपकी इस यात्रा को लेकर कहा जाता है कि कोरोना काल भी आपकी इस यात्रा को नहीं रोक पाया। देखो, इसलिए नहीं रोक पाया कि हम लोग वो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं कि विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में, और जब से ये सृष्टि बनी है, उस सृष्टि के बनने से लेके आज तारीख तक धरती के सारे समाज मिटे और उठे, लेकिन केवल एक हिंदू समाज ही ऐसा समाज है, सनातन समाज है, कि जो किसी भी परिस्थिति में नहीं मिटा। और इसलिए मुझे लगता है कि बाबा महाकाल का आशीर्वाद था कि हमने उस कोरोना जैसी महामारी को भी चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करा था और हम लोग जाके बाबा महाकाल का अभिषेक हमने करा था।